हम लोग करने वाले हैं वेडिंग प्रिपरेशन व्लॉग, जिसमें हम लोग क्या क्या पहनेंगे, कैसा मेकअप करेंगे, मेकअप का ट्राई करेंगे कि उस दिन हमको कैसा मेकअप लुक क्रिएट करना है, और हमें ड्रेसेस भी ट्राई ऑन करेंगे कि हमको कौन कौन सी ड्रेसेस पहननी है, ज्वेलरीज पहननी है, सो और भी बहुत कुछ। सो लेट्स क्रिएट द वीडियो। तो ये हमारे पास दो लहंगा है जिसमें हम दोनों ट्विनिंग करने वाले हैं। तो ये लहंगाज सब्यसाची का थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, कॉपी है। मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम लोग दुकान पे जाके लेके आए नॉर्मल, बट ये बहुत प्यारा लग रहा है। और ये पहन के हम लोग ट्विनिंग करने वाले हैं। इस फंक्शन ये फंक्शन होगा रिंग सेरेमनी वाला फंक्शन, जिसमें हम बहुत प्यारा लुक क्रिएट करेंगे। वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कैसा लुक क्रिएट किया है। सो या मिलते हैं। सेकेंड आउटफिट दिखाते हैं आपको। सेकेंड आउटफिट तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी लहंगा है, बहुत ज़्यादा हैवी है, और वैसे में तो हैवी है ही है और ऐसे भी हैवी। सो या दिखाते हैं सेकेंड लहंगा। सो सेकेंड ऑप्शन ये है हमारा। ये हमको अभी तक पता नहीं है कि हम कौन से फंक्शन में पहनेंगे, बट ये पहनेंगे ज़रूर, क्योंकि ये लहंगे बहुत ज़्यादा हैवी है और वेडिंग फंक्शन में ही काम आते हैं, इसलिए ये मैं पहनूंगी और ये दूसरी वाली दीदी पहनेगी, हाँ, और ये मैं पहनूंगी। तो दोनों का ऐसा सेम है वैसे तो, ये भी पिंक टोन में, ये भी पिंक टोन में, इनका थोड़ा सा हैवी है और मेरा थोड़ा सा हैवी नहीं है, बट या ये है। और अभी ज्वेलरीज भी दिखाऊंगी और क्या क्या पहनने का, नेल पेंट्स और सब कुछ शो करूंगी। सो वीडियो में आगे तक देखिए। या पोशाक के ऑप्शंस, ये ब्लू कलर में, इसमें भी हम दोनों ट्विनिंग करने वाले हैं। हम दोनों ने पूरा सोचा है कि हम पूरी की पूरी ट्विनिंग करेंगे। तो ये है पोशाक, क्योंकि हमको सारे लहंगेज ही नहीं पहनना है, इसलिए हमने ये पोशाक का ऑप्शन भी। और अभी हमारे दो आउटफिट्स हैं। एक आउटफिट तो अभी शॉप पे ही है, जो कि बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, और एक और आउटफिट है फंक्शन हुआ तो ही पहनेंगे, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है फंक्शन होगा या नहीं, बट जो अभी हमारा बन रहा है वो आउटफिट बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। या तो ये पार्ट वन में ही दिखाऊंगी या तो पार्ट टू में दिखाऊंगी, अभी पता नहीं है कि इसके कितने पार्ट्स बनने वाले हैं। सो या बट वो बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत अच्छा है, तो वो भी देखना। और अब हम चलते हैं ज्वेलरीज, लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स ये सेलेक्ट करने। सो या लेट्स गो। ये सब हमारे ज्वेलरी ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो हमको इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमको क्या पहनना है। इसके अंदर तो और भी ज़्यादा स्टफ्स है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ये है पीछे भी है, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है, इसके अंदर भी ज्वेलरीज है, इसके अंदर भी है। तो अभी हम आपको एक एक करके बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन सी ज्वेलरी है और हम शायद किस पे क्या पहनेंगे। हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, जिसमें ये हम लोग जो हमारी जो ब्लू कलर की पोशाक थी उसमें, और एक और आउटफिट है जो कि मैंने सस्पेंस पे रखा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो उस पर भी जाएगा कि नहीं। ये देखो फर्स्ट ऑप्शन, ये इसके साथ इयररिंग्स,
ईयरिंग्स भी इसके बहुत हैवी है, बहुत प्यारे हैं। फर्स्ट ये है, फिर सेकंड ऑप्शन ये है, ये भी ग्रीन में ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। आज हम चश्मे इसलिए बने हैं क्योंकि हर वक्त हम लोग चश्मा उतार के ब्लॉग करते हैं, इसलिए आज हमने चश्मा पहन के ब्लॉग करना पसंद किया। तो या ये है सेकंड ऑप्शन, जो कि रेडी होने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ उस आउटफिट पे कैसा लगेगा ये। और इसकी जो इयररिंग्स है, ये ऐसे इयररिंग्स आएंगे, ये भी बहुत हैवी इयररिंग्स है, बहुत प्यारा लगेगा। तो इसको हम वापस डालते हैं। फिर जो हमारे पास है सबसे हैवी में है ये है, इसको आड़ बोलते हैं ना, आड़। तो ये आड़ में बहुत प्यारा लगेगा, बहुत मस्त। अभी तो पता नहीं कैसा लगेगा। ये इसके इयररिंग्स आप दिखा दो, ये रे इसकी इयररिंग्स भाई, इसके साथ ये भी है, ये रे इसकी इयररिंग्स और इसके साथ ये भी है, जो ऐसे हाथ में नहीं पहनते रिंग्स, मैं पहन के दिखाऊंगी। मैं तो ये मन में कर रही हूँ कि कब हम रेडी होंगे, कब हम रेडी होंगे, है ना। ये लो, ये था हमारा 13th वाला। फिर ये जो भी है ये राजपूती पोशाक के ऊपर है, और जो लहंगा पे है वो तो अभी तक सस्पेंस ही है, वो जिस दिन पहनेंगे उसी दिन ही आपको बताएंगे। ये जो भी है ये राजपूती पोशाक पे है, और ये सब हमारे ही है, हम लोग रेंट पे नहीं लेके आए हैं। ये है हमारा 4th, है ना, 4th। ज़्यादातर हमारे पास ग्रीन में ही है। इसके इयररिंग्स छोटे से हैं, इसके इयररिंग्स क्यूट से छोटे से हैं। पिंक वाला तो दीदी को दे देता हूँ। हाँ, हम लोग रेंट पे नहीं देते हैं। एक और ग्रीन ग्रीन के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्रीन ऐसा कलर है जो सब पे चला जाता है, सब पे, ऑलमोस्ट सब पे चला जाता है। तो या इसका वो ये लगेगा वो, जो अगर हम पहनेंगे तो किसी और में से निकाल के भी पहन सकते हैं। फिर ये मैं ये दिखा देती हूँ पहले, ये जो वो पहनते हैं ना इसके चौक का जो भी है, उसके नीचे जो रामनवमी होती है वो है, और उसके साथ इयररिंग्स भी है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। उसके बाद हमारे जो सर पे ऐसे नहीं पहनते हैं, क्या कहते हैं इसको, बोर रखड़ी जो भी है, बोर जो भी हम ऐसे पहनते हैं, बहुत प्यारे लगेंगे। हमने ये पहना है तो यहाँ हम लोग पिक भी डाल देंगे, तो आप देखना ये पहनने के बाद कैसा लगता है, क्योंकि ये वाला पहन चुके हैं हम पहले भी। ये भी ऑप्शन में है, इसके ये वाला, ये भी ऑप्शन में है। और ये जो नोज पिन नहीं होती वो नथ, वो भी है इसमें, मैं पिक डालूंगी, आप लोग देखना कैसा लगेगा। फिर शीश फूल, फिर है ये शीश फूल जो कि ऐसे पीछे लगाते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। अब मैं आपको फटाफट ऐसे जल्दी से दिखा देती हूँ। ओहो, और हमारे पास शीश फूल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देखो, ये भी है। अभी तो वो पीछे भी पड़ा है, ये भी है, ये पहन चुके हैं हम लोग, ये वाला पहन चुके हैं हम, ये वाला भी ऑप्शन है, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत हैवी है, ये भी इसकी भी पिक डालेंगे, ठीक है, इसके वो वाली, ये देखो इसका,
ये तो मस्त सेट है। जो वो जो लहंगा नहीं था पिंक वाला, तो उस पे शायद पहन सकेंगे, शायद बहुत मस्त रॉयल लगेगा। एक और आर्ड है मेरे पास, बहुत सारे सामान है, बस हम किसी को देते ही नहीं, ये प्रॉब्लम है। ये देखो, ये भी एक वो कैसे आर्ट, छोटी वाली आर्ट है, बड़ी वाली नहीं है, कि बहुत मस्त लगती है। और ये क्या कहते हैं, छोटी वाली ज्वेलरी है, ये भी हम ऑप्शन में रखेंगे। और देखते हैं, हाँ वो जो ऐसे नहीं पहनते चूड़ी के आगे ऐसे, पोंचिया पता नहीं क्या बोलते हैं, पता नहीं, ये बहुत ऐसा प्यारा लगेगा। ये हम राष्ट्रपति पोशाक में पहनेंगे, आप जल्दी पहनेंगे, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी लुक बताऊंगी मैं, क्योंकि हम लोगों को खुद को एक्साइटमेंट हो रही है। और हाँ, ये जो नहीं होती मराठी वाली ऐसे नोजपिन, तो ये भी पहन सकते हैं हम, और नथ भी पहन सकते हैं, दोनों पहन सकते हैं। तो अभी फिक्स नहीं है क्या पहनेंगे, पर मैं आपको ज्वेलरी ऑप्शंस दिखा रही हूँ कि हम लोगों के पास क्या क्या है। ये बाजू बंद है, ओ माय गॉड, इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। ये चार पाँच है। ऐसा एक और है, सेम टू सेम है, दो तो हम दोनों पहन लेंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। अभी हम इतना ही दिखाएंगे, और भी स्टफ से बहुत सारा है, ये पड़ा वो पड़ा बहुत सारा है, पर अभी मैं आपको इतना ही दिखाऊंगी और उस दिन के लिए सस्पेंस डालूंगी। अब हम जाएंगे रेडी होने, अब हम रेडी होते हैं और आपको दिखाते हैं हम कैसे रेडी होंगे उस दिन। और हम बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स लेके आए हैं मेकअप में, तो हमको वो ट्राई करने के हम पे कैसा जाएगा, वो बेस होगा कि नहीं होगा। अभी तो हम बिना मेकअप बैठे हैं, फेस वॉश करके बैठ गए, पर अब हम मेकअप करेंगे। और मेकअप करके हम आपको मेकअप करते करते हम आपको दिखाएंगे कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो या चलते हैं मेकअप करने, बेस्ट पार्ट। बिहाइंड द सीन।